डी स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर को रिलेशन कॉफिशियंट विच वी कम्प्यूट फॉर द कंटीजेंसी टेबल एंड दिस कोफिशेंट इज कॉल्ड क्रैमर वी को रिलेशन कॉफिशेंट क्रैमर वी को रिलेशन कॉफिशेंट भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये अफेक्ट साइज देखता है ऑफ मेयरमेंट ऑफ द कार्स के टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और इसमें यही देखा जाता है कि दो वेरिएबल्स कितने स्ट्रॉगली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ Uh, ये कंप्यूट किया जाता है कंटीजेंसी uh, टेबल्स जो दो बाय तीन हो या तीन बाय चार हो या वो दो बाय चार हो इसका जो है वी के साथ इसको डिनोट किया जाता है और इसको एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के माइनस वन का अंडर रूट तो के जो है इसमें जो आपके पास नंबर रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसमें जो लीस्ट वैल्यू है उसको हम के कंसिडर करते हैं जैसे अगर टू बाय थ्री का टेबल है तो इसमें के की वैल्यू टू होगी और अगर थ्री बाय फोर का टेबल है तो उसमें के की वैल्यू इज इक्वल टू थ्री होगी अब इसको अगर हम देखें एस पी एस एस सॉफ्टवेयर में तो सिम सेम ही इसका पाथ है एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का क्रॉस टैब अपने वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जेंडर एंड एजुकेशन और उसके बाद स्टेटिस्टिक्स में काय के साथ फाई एंड क्रैमर वी याद रखें एस पी एस एस में एक ही टैब पे हैं फाई एंड क्रैमर वी मगर ये हमने ख़ुद श हमें पता होना चाहिए कि कब फाई की वैल्यू लेनी है और कब क्रैमर वी की वैल्यू लेनी है तो इस केस में जब सिमेट्री में नहीं है टेबल दो बाय तीन तीन बाय चार या दो बाय चार का टेबल है तो हम क्रैमर वी की वैल्यू लेंगे यहाँ पर आपके पास आ गई हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज़ का कास्केर की वैल्यू बता रही है कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है ज़ीरो सेल है जो कि लेस देन उसका काउंट फाइव है अब हम देखते हैं क्रैमर वी की वैल्यू देखेंगे हम फाइव की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमारा टेबल टू बाय फोर का है तो हमारी जो वैल्यू है वो पॉइंट टू एट नाइन है और ये पी इसकी जो है वैल्यू से छोटी है पॉइंट जीरो फाइव से ये पॉइंट जीरो जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है तो हम ये कह सकते हैं के जेंडर और एजुकेशन लेवल के दरमियान एक मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ क्रैमर वी एंड कार